तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन और उनके आंसर जानने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम दो अंक वाले क्वेश्चन समझते हैं जो कि कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के आपके त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, धनात्मक से संबंध किसे कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा आंसर है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, से संबंध की परिभाषा दीजिए। तो देखिएगा, से संबंध किसे कहते हैं या से संबंध की परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आप सब लोग इसको भी अच्छे से याद कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सामांतर माध्य के दो दोष लिखिए। तो देखो सामांतर माध्य के दोष कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग देख लें और इनको पूरा का पूरा याद कर लें क्योंकि ये आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें कि परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वे आंकड़े जिन्हें सुव्यवस्थित क्रम में रखा गया है और जिनको देखरेख सारी चीज़ें स्पष्टता समझ में आ जाती है, परिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो आप परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं। तो देखिएगा, आप परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें। देखो क्या लिखा है, जब संकलित आंकड़े जिस रूप में एकत्रित किए जाए उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो उन्हें अपरिष्कृत या अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से याद कर लेना। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण क्या है। तो देखिएगा, आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा याद कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो सारणियन के कोई दो लाभ बताइए। तो देखिएगा, सारणियन के दो लाभ क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विविध चर क्या है। तो देखिएगा, विविध चर किसे कहते हैं, यहाँ से याद कर लें, वे चर जिनका एक निश्चित मान होता है उन्हें विविध चर कहते हैं, ये चर अचानक या पूर्णांकों में होते हैं उन्हें विविध चर कहा जाता है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सामांतर माध्य का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा, सामांतर माध्य का सूत्र ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको याद कर लें अच्छे से। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो संतत चर एवं किसे कहते हैं। तो देखिएगा, संतत चर किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को भी नोट कर लें। क्या लिखा है, यदि कोई चर दो वास्तविक मानों के बीच में सभी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है तो उसे संतत चर कहते हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। तो आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मध्य मूल्य से क्या आशय है। तो देखिएगा, मध्य मूल्य से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग देख लें और पूरी तरह से अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लें अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, आर्थिक क्रिया क्या होती है या आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। अब इसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या आशय है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र में उत्पादन वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखिएगा, ये जो लिखा है ना, यहाँ पे आप लोग कच्चे इस तरह से लिख लेना ये, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो बहुलक से क्या आशय है। तो देखिएगा, बहुलक से क्या आशय है, यहाँ से देख लें, अंकों के किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है वही मूल्य उस समूह का बहुलक या कहलाता है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, समंक किसे कहते हैं। तो देखिएगा, समंक किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा,
समंक का तात्पर्य तत्वों के उन समूह से होता है जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सके, जिन्हें शुद्धता के एक उचित स्तर द्वारा गिना या अनुमानित किया जा सके। देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद कर ले, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, सांख्यिकी क्या है, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी लिख कर आ सको। अब इसके अलावा एक ही वाला क्वेश्चन, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सब क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देख लें, वितरण से क्या आशय है, तो देखिएगा वितरण से क्या आशय है, किसे वितरण कहते हैं आपको बताना है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको यहाँ से याद आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम तीन अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं कि तीन अंक में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा तीन अंक के क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्या लिखा है प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। देखो प्रश्नावली में और अनुसूची में क्या क्या अंतर है, पहला अंतर ये लिखा प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता द्वारा भरा जाता है और अनुसूची में प्रश्नों का उत्तर स्वयं साक्षात्कर्ता द्वारा लिखे जाते हैं। उसके अलावा देखो अगला, प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है और अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए किया जाता है। उसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन, प्रश्नावली में व्यक्तिगत संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और अनुसूची में व्यक्तिगत संपर्क करने की आवश्यकता होती है। उसके अलावा प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, अनुसूची में साक्षात्कर्ता सूचनादाता के सामने स्वयं उपस्थित होकर उत्तर लिखता है, इसलिए भाषा तथा अर्थ संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। और उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, एक अच्छे प्रश्नावली के तीन गुण बताइए। तो देखिएगा एक अच्छे प्रश्नावली के तीन गुण क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें और इनको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता द्वारा भरा जाता है और उसके अलावा देखो सरल और स्पष्ट और सटीक प्रश्न होने चाहिए और प्रश्नावली उदार और सीमित होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर आपको बताना है। तो देखो प्राथमिक समंक क्या होते हैं, देखो ये लिखा ये मौलिक समंक होते हैं, ये मौलिक समंक नहीं होते हैं और उसके अलावा इनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार किया जाता है और इनका संकलन किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के द्वारा संकलित किए गए समंकों में से किया जाता है। उसके अलावा ये उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है और इनमें संशोधन करके उद्देश्य के अनुकूल इनको बनाया जाता है। उसके अलावा इनके संकलन में समय श्रम एवं धर्म धन का अधिक व्यय होता है। देखो ये जो धर्म लिखा ना इसको धन कर लेना आप लोग, क्या लिखा है धन। और उसके अलावा इनके संकलन के समय श्रम और धन बहुत कम व्यय होता है। उसके अलावा यहाँ से देख लें, इनके प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती है और द्वितीयक समंकों के बीच में सतर्कता की आवश्यकता होती है। उसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा क्या लिखा है, द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली कोई तीन सावधानी आपको बतानी है। तो देखिएगा द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली तीन सावधानियाँ कौन कौन सी है, द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली तीन सावधानियाँ कौन कौन सी, पहली आंकड़ों की शुद्धता का विस्तार स्तर ऊँचा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी देखें, इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये समंक कब और किन परिस्थितियों में उपयोग में लाए गए हैं। उसके अलावा द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये समंक कब उपयोगी है कि नहीं है। इस प्रकार से आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर ले और इनको याद भी कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या लिखा है, निर्देशन विधि क्या है। तो देखिएगा निर्देशन विधि क्या है, इसको यहाँ से आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से यहाँ से आप लोग याद इसको कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, संगणना रीति के कोई तीन गुण लिखिए। तो देखिएगा संगणना रीति के तीन गुण क्या क्या है, पहला लिखा संगणना रीति के गुण निम्नलिखित है। देखो पहला गुण आपको बताना है, देख सकते हो संगणना रीति में सूचना प्राप्त होनी चाहिए और संगणना रीति में सजायित्व एवं लोचशीलता का गुण विद्वान होना चाहिए, संगणना रीति में आंकड़ों की शुद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, समांतर माध्य के कोई तीन गुण लिखिए। तो चलो जानते हैं कि समांतर माध्य के तीन गुण कौन कौन से हैं। देखो यहाँ से आप सब लोग इनको याद कर लेना, समांतर माध्य के गुण यहाँ पर दे रखे हैं, समांतर माध्य में चरों के सभी मानों को बराबर महत्व दिया जाता है और उसके अलावा समांतर माध्य के आंकड़ों को केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं, समांतर माध्य समझने के लिए अति सुगम होते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इनको याद कर लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपके चार चार अंक वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको भी याद कर लें अच्छे से,
पहला लिखा सांख्यिकी के कुछ चार कार्यों को समझाइए। तो देखिएगा सांख्यिकी के चार कार्य क्या क्या है। पहला लिखा है जटिल आंकड़ों को समझने में सहायक होती है, सांख्यिकी नीति निर्धारण में सहायक होती है, और उसके अलावा सांख्यिकी के द्वारा तथ्यों का अनुमान व पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उसके अलावा सांख्यिकी तथ्यों को निश्चितता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें और अच्छे से इनको याद कर लेना। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है द्वितीयक आंकड़े क्या है, इसके संग्रह की कोई तीन विधियों के स्रोत की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा द्वितीयक आंकड़े वास्तविक उपयोग करते हैं, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े होते हैं। द्वितीयक आंकड़ों के संग्रह की तीन विधियाँ निम्नलिखित है। देखो पहली है सरकारी प्रकाशन, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, और उसके अलावा दूसरा लिखा है रिजर्व बैंक द्वारा प्रदर्शित आंकड़े, और उसके अलावा तीसरा सार्वजनिक रिकॉर्ड। यहाँ से आप सब लोग इन तीनों को अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है वर्गीकरण एवं सारणीयन में कुछ चार अंतर लिखिए। तो चलिएगा समझते हैं कि वर्गीकरण और सारणीयन के बीच में क्या क्या अंतर है। देखो पहला अंतर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, दूसरा अंतर ये लिखा है, और तीसरा अंतर ये लिखा है, और इसके अलावा चौथा अंतर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा याद कर लेना। अब इसके अलावा देखो आगे क्वेश्चन लिखे हैं, देख सकते हो सारणी के प्रमुख अंगों की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा सारणी के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहला लिखा शीर्षक, उप शीर्षक, और उसके बाद में सारणी का मुख्य भाग। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें, और इसके अलावा कुछ यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन संगणना रीति एवं निर्देशन रीति में अंतर बताइए। तो देखिएगा संगणना रीति में और निर्देशन रीति में क्या क्या अंतर है, यहाँ से आप लोग देख लें। देखो पहला अंतर तो ये लिखा है, दूसरा अंतर ये दिया गया है, तीसरा अंतर ये लिखा है। इसी प्रकार से आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा याद कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन समंकों के चित्र में से आप प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं उपयोगिता आपको बतानी है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले पूरा का पूरा यहाँ तक का और इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।